क्यों नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं जी। तो जिस तरीके से आप देखिए अपना महागठबंधन का सरकार है जी, तो 24 में भी अपना महागठबंधन का सरकार रहेगा जी। और कौन एकता में क्या है, एकता हम लोग का महागठबंधन का मजबूत है, तो हम लोग महागठबंधन का हमेशा सरकार। तब चेहरा कौन होगा विपक्ष का, बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। अब चेहरा देखिए, अब तो हम कैसे बता सकते हैं चेहरा कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो तैयारी में लग चुके हैं, और वहीं बात करें तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे, और वहीं बात करें तो साफ तौर पर जिस तरह से कहा जाए कि विपक्ष में कई चेहरे हैं, इसी को लेकर जब हमने बात किया तेज प्रताप से, जो पर्यावरण मंत्री हैं और लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग मजबूती से 2024 में भी महागठबंधन की सरकार रहेगी और मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और चेहरा क्या है, वो चेहरा बहुत लोग हैं, राहुल गांधी भी हैं, और जिस तरह से कहें तो तेज प्रताप साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। लेकिन वही बात करें तो जिस तरह से तेज प्रताप 2024 को लेकर कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और 2024 में भी महागठबंधन रहेगा और बहुमत से हम जीतेंगे, पहले क्या कुछ कर रहे हैं तेज प्रताप, पहले सुनिए उनकी बातों क्यों नहीं हो जी। ये हम बता रहे हैं जी। कि जिस तरीके से आप देखिए अपना महागठबंधन का सरकार है जी, तो 24 में भी अपना महागठबंधन का सरकार रहेगा जी। और कौन एकता में क्या है, एकता हम लोग का महागठबंधन का मजबूत है, तो हम लोग महागठबंधन का हमेशा सरकार। तब चेहरा कौन होगा विपक्ष का, बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। अब चेहरा देखिए, अब तो हम कैसे बता सकते हैं कि चेहरा कौन होगा। नीतीश जी तो चेहरा के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं विपक्ष में। एक मिनट, समय भैया हो गया, थोड़ा सा इन लोगों को भी ले लेने दीजिए। सरकार में है हम लोग, मुख्यमंत्री हैं, तो हैं, तो चेहरा बहुत है। उधर राहुल गांधी जी भी हैं, अब हम नहीं बता सकते हैं ना कि चेहरा कौन। अरे आप तो लीडर हैं आप। अरे लीडर है तो हम क्या है क्या नहीं है तो बाद में पता चल जाएगा समय आने पर। अभी समय नहीं आया, लेकिन पहले ही आप लोगों को मिर्ची लगी हुई है। अब समय आने दीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन लीडर है, कौन चेहरा। तो एक ही कोई ना कोई तो होगा ही चेहरा जी, चाहे कोई हो जी। जो भी होंगे, चाहे राहुल गांधी जी हो या नीतीश कुमार जी हो, जो भी हो जी, तो साथ में रहना है और क्या काम करना। अच्छा, लालू जी ने यहाँ ट्रेन का एक समय में जी किया था। तो आपने साफ तौर पर सुना लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 के लोकसभा जो चुनाव होना है उसमें हम लोगों की जो गठबंधन बिहार में है महागठबंधन, वो रहेगा। और साफ तौर पर चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन समय आने पर मालूम चल जाएगा कि कौन सा चेहरा रहेगा पीएम कैंडिडेट का। लेकिन जिस तरह से साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं तेज प्रताप कि हम लोग जीतेंगे, और वहीं बात करें तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकेंगे, और जिस तरह से बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से बात करें तो बिहार में समाधान यात्रा उनका समाप्त हो गया और वो फिर से देश यात्रा में निकलेंगे, समाधान जो विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे और विपक्ष को एकजुट करने के लिए जो कहा जा रहा है विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को 2024 से गद्दी से उतारना है। और जिस तरह से कहें तो तेज प्रताप साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम लोग एक महागठबंधन एकजुट है और विपक्ष भी एकजुट होंगे और 2024 में केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।